अंग्रेजी थिएटर में इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन पृथ्वी थिएटर की कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने इस एरिया में जूहू में सीरियस थिएटर की अवेयरनेस फैलाई है और लोग आते हैं पृथ्वी थिएटर, चाहे नाटक कोई भी हो। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ खाना खाने आते हैं और साथ में नाटक भी देख लेते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वी शुड कंप्लेन अबाउट दैट, क्योंकि कम से कम आते तो हैं, किसी बहाने आए तो एक बार आ जाए तो हमारी जिम्मेदारी है उनको अच्छा नाटक दिखाना। अगर हम उसमें फेल होते हैं तो ये बुरी बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि पृथ्वी थिएटर के होने से इस बात की अवेयरनेस फैल गई है कि बड़े बहुत बड़े सक्सेसफुल कमर्शियल प्लेज के अलावा भी अच्छे नाटक हो सकते हैं। और जहां तक फेस्टिवल का सवाल है तो आपका जवाब इसी में है कि सारे टिकट्स बिक गए हैं ऑलरेडी और फेस्टिवल शुरू भी नहीं हुआ है। जब मैं तैयार होऊंगा उसको बनाने के लिए, अभी मैं फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं हूं शायद। मैंने कुछ प्रेमचौली उसके बारे में बात कर दी थी और बहुत लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, कब बना रहे हो, मुझे रोल दे, कोई नहीं, अभी नहीं बना रहा हूं। फिल्मों में आपका लास्ट सैटिस्फाइंग रोल बॉम्बे बॉयज वॉज द लास्ट सैटिस्फाइंग रोल। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम किया भी नहीं है, लेकिन बॉम्बे बॉयज एक ऐसा रोल था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और लकीली फॉर मी उसे पसंद भी किया गया। आगे आने वाली फिल्मों में नगेश कुकुनूर की एक फिल्म है बॉलीवुड कॉलिंग जो बनने वाली है जनवरी में, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। और उसके अलावा मैं कोई फिल्म नहीं कर रहा हूँ।